जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मंडल आयुक्त से वार्ता करके समाधान कराए जाने की मांग उठाई है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा अवगत कराया गया है कि मंडल के किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है, विद्युत विभाग द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को भलीभांति नहीं मिल पा रहा। इसके अतिरिक्त महानगर मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा अंतर्गत मोहल्ला खोकरान निवासी महबूब नामक व्यक्ति की बैंक से संबंधित एक समस्या को भी उजागर किया गया। कहा गया है कि गोकुलदास रोड स्थित यूनियन बैंक में उनकी माता के खाते से धोखाधड़ी करके रकम निकाली गई। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतीक ने बताया, आज आप मंडलायुक्त से मिला, आपका प्रतिनिधि मंडल, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर? समस्या हमारी कोई ज़्यादा नहीं है। एक हमारे ये है महबूब भाई, हमारी टीम में है और इनके साथ जो है बैंक का फ्रॉड हुआ है। इसे इनके ही भाई ने पैसे निकाले हैं और बैंक वाले जो है स्टेटमेंट निकाल के नहीं दे रहे हैं। और उनसे ज़्यादा जैसे जब भी ये जाते हैं बैंक में तो बैंक वाले इन्हें जो है धक्के मार के बाहर निकाल दें। कौन से बैंक का मामला है, किस तरह पे धोखाधड़ी की गई? मुरादाबाद में। तो कितने पैसे निकाले आप? पैसा सरकारी पैसा जी, सरकारी पैसा निकाला था इनके। अब हैं रेल में ट्रेन कर, तो इनका भी पेंशन भी थी, इनकी मोम की पेंशन भी थी, इनका पैसा निकाला है पेंशन का। तो किसको मानते हैं दोषी, किसने निकाले ये पैसे? जी दोषी इनके हिसाब से तो इनके भाई और बहन। अच्छा, इनके सगे बहन भाई। तो इसकी कोई शिकायत की आपने? शिकायत भी की थी हमने इसकी। कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो इनके भाई बहन हैं वो दबंग लोगों से मिले हुए हैं, तो इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। आज आप कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि इनका सहयोग करें और इन्हें न्याय मिले।